प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी घोषणा, अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च प्रधानमंत्री केयर से होगा और 18 वर्ष तक पढ़ाई का पूरा खर्च पीएम केयर से होगा और स्वैच्छिक लोन हुआ तो उसकी किश्त भी पीएम केयर से होगी। प्रधानमंत्री ने इन बच्चों को विशेष योजना से जोड़ा है और कोरोना काल में देश के असंख्य बच्चे अनाथ हुए हैं। महिला बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी की पहल और इस योजना से हजारों अनाथ बच्चों को लाभ होगा। तो एक बड़ा ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया। आपको बता दें कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए ये पहल शुरू की गई है, योजना शुरू की गई है और इस योजना से हजारों बच्चों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा की, अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च पीएम केयर से होगा और 18 वर्ष तक पढ़ाई का पूरा खर्च केंद्र सरकार देगी। आपको बता दें यहां पर पीएम ने इन बच्चों को विशेष योजना से जोड़ा है। कोरोना काल में देश के असंख्य बच्चे अनाथ हुए। महिला बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने इसकी पहल की शुरुआत की है। और अब खबर लखनऊ से है जहां पर अनाथ बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खबर। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए योजना शुरू की गई है। संरक्षण और उनकी देखभाल के लिए विशेष योजना लाई गई है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की जाएगी और बच्चों के वयस्क होने तक वित्तीय सहायता बच्चों को दी जाएगी। 4000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता इन बच्चों को सरकार की तरफ से दी जाएगी और सहायता उनके केयर टेकर को दी जाएगी और 18 अटल आवासीय विद्यालयों में व्यवस्था की जाएगी और जिनका केयर टेकर नहीं है उन्हें बाल गृह ले जाया जाएगा और 10 साल से कम आयु के बच्चे बाल गृह लाए जाएंगे और बच्चों को सभी प्रकार का खर्च उठाएगी यूपी सरकार और शादी के लिए सरकार 1,10,000 रुपए भी देगी और ऐसे बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप भी दिया जाएगा। ये वाले उन बच्चों की देखभाल के लिए राज्य सरकार ऐसे बच्चों को वयस्क होने तक यानी जब तक वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते हैं तब तक ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए 4000 रुपये प्रति बच्चा प्रति बालक या बालिका वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी उनके गार्जियन को या उनके केयर टेकर को। जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है या लीगल गार्जियन को खोया है ऐसी बालिकाओं के लिए राज्य सरकार शादी ब्याह के लिए 1,01,000 रुपये की राशि उस बालिका की शादी पे खर्च करेगी, उस राशि को उपलब्ध कराएगी। और स्कूल में पढ़ने वाले या व्यवसायिक कोर्स करने वाले ऐसे सभी बच्चों को हम लोग प्रदेश सरकार की तरफ से लैपटॉप या टैबलेट की व्यवस्था भी उन बच्चों के लिए कराएंगे।